दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि YouTube पे जितना कोई भी चीज अगर YouTube पे अपडेट आता है, कुछ भी छोटे से छोटी चीजें होती है तो हल्ला सबसे ज्यादा पहले होता है। ठीक है, जो कि वो चीज सुनिएगा, सोचिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा तो वो बहुत छोटा चीज है, उतना भी बड़ी चीज नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबने तो कोपा के बारे में आपको बता दिया, लेकिन मैं बताऊंगा कि कोपा का एक्चुअली यूट्यूब लाया क्यों है, क्योंकि वो क्यों अपडेट करता है। मेरे हर वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्यों किया और कैसे किया और क्या इसका परिणाम हो सकता है आगे जाके। तो सारा डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये एक्चुअल है क्या और आपको अपने चैनल में क्या करना है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वीडियो के एंड तक देखो, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब साथ में करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज का दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कोपा है क्या। कोपा दोस्तों एक एक्ट है, ठीक है, एक लॉ है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है, एक लॉ है, जो कि यूट्यूब पे नहीं सारे सोशल मीडिया पे ही ये अप्लाई होता है, जो कि ये चिल्ड्रन को, किड्स को प्राइवेसी प्रोटेक्शन देने के लिए है। ठीक है, उसमें जो है चाइल्ड वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो इसी को रोकने के लिए ये एक्ट लगाया गया। अब ये एक्ट क्यों लगाया गया, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे। तो ये एक्ट लगाया गया है इसलिए ताकि ये जो सारा का एक्ट का जो श्रेय जाता है वो एडवर्टाइजर के ऊपर में जाता है। ये एडवर्टाइजर के हित में ये एक्ट लाया गया है ताकि उनको बेनिफिट हो सके। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए कोई एक यूट्यूब चैनल है जिस पे कि चिल्ड्रन से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, ओनली फॉर चिल्ड्रंस, जैसे कि हो गया वो खिलौने का अनबॉक्सिंग करता है कोई चैनल पे, या फिर मान लीजिए कोई चॉकलेट का अनबॉक्सिंग कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि छोटे बच्चे खेल रहा है, तो वो वीडियोस कौन देखते हैं, उनका ऑडियंस होते हैं छोटे छोटे बच्चे, कार्टून वाले जैसे चैनल हो गए। तो उन सब चैनल्स पे यूट्यूब को ये शक है कि उन सब चैनल्स पे देखिए अगर बच्चे ऑडियंस है तो बच्चों के रिलेट ही उनको एड चलाना है उन सब चैनल पे, क्योंकि अगर वो उन सब चैनल पे मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का अगर एड चला रहा है तो वो बच्चा तो S10 प्लस नहीं खरीदने वाला है, सबसे पहला बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइज चल रहा था, एडवर्टाइजर को उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, एडवर्टाइजर को वहीं पे बेनिफिट है जहां पर उसको इंटरेस्ट है और ऐसे ऑडियंस को दिखाया जाए जो उस चीज ले सकता है। अब मैं अगर देखूंगा स्मार्टफोन का एड तो मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं उसको खरीदूंगा, या फिर मैं पापा को भी फोर्स करके खरीद सकता हूँ। अब एक छोटा सा बच्चा है वो स्मार्टफोन का एड क्यों देखेगा, और उसको तो कोई उससे मतलब है नहीं। तो यहाँ पे बात आती है कि ये सारा का सारा एक्ट लगाया गया है एडवर्टाइजर के हित में, एडवर्टाइजर के बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये एक्ट लाया है। और इसके तहत आपको करना क्या है, आप जब भी अपने चैनल पर क्रिएटर स्टूडियो बीटा में जाओगे तो आपको ऊपर में ही एक फ्लैश होगा कुछ लिखा हुआ कोपा से रिलेटेड, और वहां पर आपको एक एक्शन बटन मिलेगा, वहां पर जाकर के आपके चैनल को सिर्फ वहां पे हाँ या ना, यस और नो क्लिक करना है। अब यस कब करना है और नो क्यों करना है ये मैं बताता हूँ। यस दोस्तों तब करना है जब मान लीजिए कि आपके चैनल में जितने भी वीडियोस है या फिर कुछ कुछ वीडियो, सबसे पहले अगर ऑल टोटल वीडियो आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड है। अब चिल्ड्रन से रिलेटेड जैसे कि बता दिया मैंने कि कार्टून वाले चैनल हो गए, या फिर खिलौने का अनबॉक्सिंग होता है कुछ होता है, या फिर ऐसे जो आप जो वीडियो बनाते हो उस वीडियो में मेन रोल जो है वो चाइल्ड के ऊपर में जाता है। मान लीजिए आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो और उसमें एक्ट जो करता है वो छोटे छोटे बच्चे जो है एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको यस करना है, पहली बार। अब सेकंड नो कब करना है, जैसे मेरा चैनल बच्चे से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम मेरा जो ऑडियंस है वो 18 to 24 ईयर्स के हैं, जो कि स्टूडेंट्स है, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। अब बात करते हैं उन चैनल्स का जिन पे कुछ कुछ वीडियो जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जाना है क्रिएटर स्टूडियो बीटा में, जाना है वीडियोज में। वीडियोज लिस्ट में जाओगे तो आपको एक एक्शन बटन ऊपर में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके उन सब वीडियो को टिक कर लेना जो जो वीडियो में बच्चे से रिलेटेड वीडियोस है या फिर बच्चे ने एक्ट किया है, उन सब को टिक करके यस कर देना।
ये तीन काम करना है। अगर आपका टोटल वीडियो बच्चे से रिलेटेड है यस करना है, अगर आपका कोई भी वीडियो बच्चे से रिलेटेड नहीं है नो करना है, अगर आपकी वीडियोस कुछ कुछ बच्चे से रिलेटेड है तो उन सब वीडियोस पे टिक आउट करके आपको करना है यस। ये तीन काम करना है। यही बस एक छोटा सा अपडेट है, ज्यादा अपडेट है नहीं। अब ये अपडेट क्यों लाया था ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ एडवर्टाइजर के बेनिफिट होने के लिए ये लाया गया है अपडेट। और इससे क्या होगा कि अब जो क्या होगा, अगर आपका चैनल पूरा बच्चे से रिलेटेड है तो आपको तो यस करना होगा, और यस करने के बाद आपका अर्निंग जो है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है अर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो है बहुत कम एड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे से रिलेटेड होता है। वैसे एड जिसमें खिलौना दिखाया जाएगा या फिर किंडर जॉय दिखाया जा रहा है या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट का एड आ रहा है, तो वही सब एड जो है अब आपकी उन वीडियोस पे चलेगा। बाकी जो है जो जितने भी एड्स होते हैं वो सारे एड्स आपके चैनल पर नहीं आने वाले हैं, जिसकी बदौलत आपका अर्निंग कम होगा। ये एक जो है ऑब्वियसली बात है आपका अर्निंग कम हो जाएगा, लेकिन आपको ये ऐसी करना है। अब बात करते हैं, अगर आपका मान लीजिए बच्चे का चैनल है, अपने बच्चे का वीडियोज रखे हैं और आप नो करते हैं तो क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेनल्टी मिल सकती है यूट्यूब की तरफ से, तो गलत काम बिल्कुल मत करना। हो सकता है आपका चैनल भी स्ट्राइक आ सकता है, आपका कमेंट डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है, भले कम कमाओ लेकिन क्लीन एंड क्लियर काम करके।